चीज तय कर लिया कि इस जगह पे अपने सपने को साकार कर करके दिखाऊंगा। घर पे भी मैं बोल दिया अपने परिवार फैमिली मेंबर्स को कि मैं इस जगह पे आया हूँ जहाँ से सारे सपने साकार करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर बात किया जाए ना दोस्तों कि कल तक ऐसा कोई रास्ता नहीं देखा था, कल तक ऐसा कोई रास्ता नहीं देखा था जहाँ से एक आम इंसान भी अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचा सके। कल तक अपने पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन एक दिन ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया के नाम की एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी जहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया था। तो एक बात तय कर लिया कि अगर इन लोगों के पास उनका घर है, परिवार है, फैमिली मेंबर्स है और इन लोगों ने अचीव किया, इन लोगों को मिला, इन सबको मिला तो मुझे भी और चाहिए। तो मैंने भी अपने आप से ये कमिटमेंट कर लिया कि मुझे भी इस जगह पे चाहिए और बेहतर तरीके से मेहनत करके दोस्तों अपने सपने को साकार करके। कहता है ना कि इंसान कभी, किसी ने क्या खूब कहा है कि सिर्फ अगर आप अपने अंदर बनने की चाहत पैदा कर लो। मैं अपने अंदर बनने की चाहत पैदा किया, परेशानियां बहुत आई, लेकिन परेशानी को पार करने के लिए अपने मैंने एक चीज ठान लिया क्योंकि मैं यहाँ पे जिद्दी बन चुका था। मैं यहाँ पे अपने आप को जिद्दी बना चुका था क्योंकि मैंने देखा कि परेशानी कोई भी पार कर, कोई भी परेशानी आए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, मैं परेशानी को पार करूंगा क्योंकि अपने आप को आनी बना लिया था। आज इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि जो परेशानी को पार करे उसे ही आन कहते हैं और जो चैलेंज को स्वीकार ले उसे शान कहते हैं और इस नाचीज को स्टार डायमंड मोइन खान कहते हैं। कामयाबी पाने के लिए जब भी थोड़ी सी परेशानी आई तो अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं होने दिया, क्योंकि कहते हैं ना जब भी ये दुनिया मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है और अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दे। अरे वो खुदा है माँ के सिकम में भी बच्चों को पाल देता है। तो दोस्त सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को कुछ कर करके दिखाने का। और ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया एक